children. Good morning everybody. अब क्या मिस्टर के अधिकार दशहरा हाफ मिस्टर हुआ आपको बहुत खुश है, बहुत एंजॉय किया और एक फुल मून क्या हुआ भूमि उगनी में वो स्पेल हुआ, आप फिट गए थे, बहुत अच्छे नाचे गाए, सब फेस्टिवल का मजा उड़ाकर बहुत विशाल से हैप्पी से आप आए है ना। मैं समझती हूँ आप सब खुश हैं, इसलिए आपको सवेरे का शुभोदय। और एक बार आज हम लेसन सीखेंगे, लेसन देखेंगे आपको कल के क्लास में वर्णमाला व्यंजनाक्षर स्वराक्षर कितने हैं ये सब सीखेंगे। चलो आज हम थोड़ा मैथ्स के तरफ चलेंगे। मैथ्स सीखने के लिए आपको क्या होना, गिनती होना। एक गिनती क्या है, एक गिनती टेबल्स सीखना है, टेबल्स नहीं, एक गिनती केवल केवल क्या है, गिनती है, गिनती नंबर्स है, नंबर्स के साथ ही हम मैथ सीखते हैं। चलो आज हम नंबर सीखेंगे, हिंदी में गिनती करते हैं, हम केवल एक से टेन तक सीखेंगे। एक छोटा सा गाना भी है, एक बड़े राजा की बेटी दो दिन से बीमार पड़ी, तीन संतरे दौड़े आए, चार दवा के पुड़िया लाए, पांच मिनट में दवा बनाई, छह मिनट में दवा पिलाई, सात मिनट में उठकर आंखें खोली, आठ मिनट में उठकर बैठी, नौ मिनट में भाग गई, दस मिनट में उठकर बैठी। आप सब बच्चों को गिनती आया, ऐसे ही आज सीखेंगे क्या है एक, क्या है एक, इंग्लिश में वन, एक दो टू थ्री तीन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, हिंदी का इंग्लिश में एक वन, एक हिंदी में लिखने का तरीका, एक दो हिंदी में लिखने का, दो हिंदी में लिखने का, तीन हिंदी में लिखने का, चार हिंदी में पांच जैसे लिखते हैं, पांच छः सात आठ नौ दस। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। देखिए ऐसे ये बताए देखो, ये गोली एक, ये वन टू टू है, दो तीन है, थ्री देखो एक दो तीन चार चार है, चार एक दो तीन चार पाँच पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस। कैसे बोलते, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। और एक बार, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। फिर आपको और एक बार सिखाती हूँ, छोड़कर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, इंग्लिश में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एक वन दो टू थ्री तीन थ्री चार फोर पाँच फाइव सिक्स छः सिक्स सात सेवन आठ एट नौ नाइन दस टेन। साथ ही आपको साथ साथ सीखना है, लिखने
सेल का भी ऐसा ही है। और अगर यहाँ ये नंबर सीखने में देखो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ऐसा लिखे जा सकता है। आप घर में इतना दो तीन बार लिखो और एक दोहराओ, बार बार दोहराना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ऐसा बार बार दोहराने से आपको सुलझ से ये हिंदी आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, बस आपको ऐसे और ऐसे के लिए भी आप में इतना ही आपको दूंगी। आपको बहुत खूबसूरत से ये सीखना है, लिखना है। ओके, थैंक यू।